नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे एक और जबरदस्त मुकाबला रेडी है। जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया मेंस ओडीडी और ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक ओमेंस ओडीडी की, तो पीआर फैमिली का रिजल्ट सबसे ऊपर होता है। सेम चीज आपको न्यूजीलैंड डोमेस्टिक मेंस और ओमेंस मेले में भी देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, इंग्लैंड वाले में भी हम लोगों ने परचम लहराए थे, मतलब कोई हमारे आसपास डोमेस्टिक के कोई मुकाबले में रहता नहीं है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इसका मैंने एक वैसे ही टाइम पास के लिए पहला मैच कवर कर दिया था, जहाँ पे हमारे जैड रिचर्डसन 5 विकेट लेके चले गए थे। इस मैच में मैं आपको अभी कह देता हूँ 99% सिक्योरिटी है कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे। हमारी जो स्ट्रेटेजी इस मैच को लेकर है ना, वो सबसे डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे जिस मैच को लेकर हम बात कर रहे हैं, वहां पे होंगी एक WAU की टीम, मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिसके कप्तान होंगे टर्नर साहब, और यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसके तक कप्तान होंगे नथन मैकसुनी, एक जबरदस्त प्लेयर, उनको लेके स्टेट्स तो वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन मैं अभी कह देता हूं कि अगर ये टीम अच्छा करेंगी तो वह इनका सबसे बड़ा रोल होगा। ऑन पेपर अगर आप देखोगे, सारा दुनिया बोलेंगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन मैं आपको ऑफ पेपर की बात बताता हूं, इस टीम को कतई कमजोर मत आंकना। इनके पास वो गेंदबाज है जो इनको अपने दिन विन करवा सकती है। इनके पास नो डाउट गेंदबाजी अटैक सबसे मजबूत है इस टूर्नामेंट में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल टीम में पिक करने वाले गेंदबाज लेंस मॉरिस बेंच पे बैठे हों, उसकी गेंदबाजी पे आप कभी शक नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास भी डब्लू एगर है, उनके बाद आपको दिख जाएंगे खेलते हुए एस्टन एगर के भाई हैं, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इनके साइड से जबरदस्त गेंदबाज खेलते हुए नथन मैकेंजू, फिर इनके साथ आपको दिखेंगे थ्रॉन्टन। तो ये टीम की भी गेंदबाजी अटैक एलपॉप दिख जाएंगे, जिनका सिडनी पे जबरदस्त स्टैट्स है, तो टीम ये भी मजबूत है, बल्लेबाजी बस क्लिक कर जानी चाहिए। फटाफट आइए हम बात कर रहे थे क्रिकेट सेंट्रल सिडनी में मुकाबला खेला जाएगा, जहां पे अगर हम बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स को लेके, औसतन स्कोर यहाँ पे 230 है, अदर वेन्यू के कंपेयर में यहाँ पे थोड़े से कम रन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट टोटल 408, लोएस्ट टोटल को लेकर बात करेंगे तो 63। अगर हम बात कर लेंगे वेन्यू ODI स्टैट्स को लेकर, टोटल मैच खेला गया 153, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 91, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 62। अगर हम बात करेंगे ODI स्कोरिंग पैटर्न को लेकर, बिलो स्कोर 200 बने 49 टाइम्स, बिटवीन 200 to 249 बने 55 टाइम्स, बिटवीन 250 to 299 बने 31 टाइम्स, और एवव 300 मात्र बने 18 दफा। तो आप मान के चलिए 200 से लेकर 250 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब इस वेन्यू पर जो रिसेंट मुकाबले खेले गए, उसमें कैसे क्या स्कोर बनाया, वही आपको बताएगा वेन्यू का प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या काम करती है इस वेन्यू पर, बल्लेबाज के लिए जो है ये वेन्यू बेरा गर्क होता है, या फिर गेंदबाज के लिए, मतलब ओवरऑल यहाँ पे कैसे क्या स्कोर बनती है लास्ट के 3 मैच हम देखते हैं वहाँ पे। तो 22/9/2024 को न्यू साउथ वेल्स में वो आई थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हमने सामने, जहाँ पे न्यू साउथ वेल्स 50 ओवर लगाती हैं 287 नौ विकेट जब नुकसान पे, जवाब में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 279 पे ऑल आउट हो जाती हैं। फर्स्ट इनिंग पेसर 7 स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 4 स्पिनर 4 विकेट। अब यहाँ पे बात कर लेंगे तो 4/2/2024 को ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए महज लगाती हैं 50 ओवर में 258 नौ विकेट नुकसान पे, वेस्ट इंडीज 175 10 विकेट नुकसान पे 43.3 ओवर में, फर्स्ट इनिंग पेसर 6 स्पिनर 3, सेकेंड इनिंग पेसर 7 स्पिनर 3 विकेट। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 19/11/2022 को ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 50 ओवर में 280 रन 8 विकेट नुकसान पे, इंग्लैंड 208 10 विकेट नुकसान पे, फर्स्ट इनिंग पेसर 4 स्पिनर 4, सेकेंड इनिंग पेसर 6 स्पिनर 4 विकेट। अब बात आती है यहाँ पे कि लास्ट के 3 जो ODI मुकाबले खेले गए, जिसमें डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल है, उसमें देखिएगा 34 विकेट गई है स्पिनर, मतलब पेसर खाते में, 19 विकेट गई है स्पिनर के खाते में। अब बात आती है हेड टू हेड में, दोनों टीम जब आमने सामने आई है तो क्या हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लास्ट 10 हेड टू हेड जो मुकाबले दोनों टीम आमने सामने आई है, उसमें जो है एस्टन टर्नर की टीम सामने वाली टीम को फेंटी दे दी है। लेकिन इस बार मुझे लगता है ये रिकॉर्ड बदल सकता है, यहाँ पे इनकी गेंदबाजी कोर काफ़ी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये टीम के बल्लेबाज ने बोर्ड पे 250 के आसपास का टारगेट लगा दी, आसान नहीं होगा। पहला मुकाबला टर्नर साहब हार के आ रहे हैं, लास्ट 5 मैच देखिएगा टर्नर साहब का लॉस विन लॉस लॉस विन करके आ रही है टीम, वहीं इनका हमेशा से लॉस का जो है वो कॉलम बहुत ज़्यादा ही रहता है, लॉस 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 विन करके ये टीम आ रही है। अब फटाफट आइए हम बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मुकाबला में कौन से प्लेयर ने कैसे प्रदर्शन किए हुए हैं। ध्यान रखिएगा इस टीम का जो लास्ट मुकाबला है साउथ ऑस्ट्रेलिया की, वो मैं आपको लास्ट सीजन का दिखा रहा हूँ, क्योंकि इनका इस सीजन अभी तक कोई मुकाबला हुआ ही नहीं है, जिसमें एलेक्स कैरे 12 किए थे लेकिन खेलेंगे नहीं, जे विंटर 20, ये भी स्क्वाड में मेंशन नहीं है, नथन मैकसुनी जबरदस्त बल्लेबाज है 52 किए थे, थॉमस कैली 81, हैरी नीलसन 27,
बी मेहनती 13 और मुझे जहाँ तक अपडेट है ना, बी मेहनती अब जो है इटली के साइड से डोमेस्टिक इंटरनेशनल खेलेंगे और डोमेस्टिक खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन इस टीम के साइड से। नथन मैकेंड्रू किए थे 17 रन। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, एच कॉन में 9 ओवर 4 गेंद 64 रन एक विकेट, और मुझे लगता है ये स्क्वाड में मेंशन नहीं है। थॉर्नटन 10 ओवर 2 मैडन 20 रन 2 विकेट, जबरदस्त विकेट टेकर गेंदबाज हैं। नथन मैकेंड्रू 9 में 51, जे वकिंगम 10 ओवर 41 रन 6 विकेट, फिर आपको दिख जाएंगे मेहनती 8 ओवर 36 रन 0 विकेट, नथन मैकेसोनी 3 ओवर 6 रन 1 विकेट। बात करूँ सामने वाली टीम को लेकर तो लास्ट मुकाबला बेन क्रॉफ्ट 71 किए थे, डी आर की शॉट 10, सेम हिटमैन 26, ध्यान रखिएगा इनका स्टेट्स में देखा हूँ अगेंस्ट सामने वाली टीम जबरदस्त रहती है। हिल्डर कार्टनेट 41, टर्नर 41, बी होल्ट 2, अस्टन एगर 51, जे रिचर्डसन 13 और मैथ्यू कैली किए थे 5 रन। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, वेरन डॉप 10 में 56 रन 0 विकेट, इनको नए बॉल से विकेट अच्छा खासा मिल सकता है। फिर जे रिचर्डसन 10 में 63 रन 5 विकेट, मैथ्यू कैली एक और जबरदस्त विकेट टेकर गेंदबाज है, 10 ओवर 39 रन 0 विकेट, अस्टन एगर 8 ओवर 1 मैडन 58 रन 1 विकेट टाई, 10 में 49 रन 2 विकेट, डी आर की शॉट 2 में 13 रन 0 विकेट। मैंने कई दफा देखा है जब भी डी आर की शॉट बॉलिंग डालेंगे एस्टन एगर का ओवर कटेगा, और ये जब भी डालने आते हैं ये आ जाते हैं 35 ओवर के बाद, जहां पे विकेट मिलने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। बल्लेबाजी में तो इनका फॉर्म बेड़ागर करने वाला है, मैं आपको स्टेट्स भी दिखाऊंगा आगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर। आपको दिख जाएंगे ओपनर कैमरन बेनक्रॉफ्ट, फिर साथ में दिखेंगे डी आर की शॉट सैम व्हिटमैन, हिल्टन गार्डनर, एस्टन कर्नर, बक्स्टर होल्ट, फिर एस्टन एगर, जे रिचर्डसन, मैथ्यू कैली, ये टाई और जेसन बेरेंडॉफ। गेंदबाजी में जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रू ट्राई, फिर यहाँ पे मैथ्यू कैली, जे रिचर्डसन, एस्टन एगर, 5 मेन गेंदबाज होंगे, असिस्ट करेंगे डीआर की शॉट। इस टीम में डीआर की शॉट सैम व्हिटमैन, और यहाँ से आपको दिख जाएंगे एस्टन एगर टॉप 7 में जो है 6 में 3 लिप्टी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ब्रेक गेंदबाज जो सामने वाली टीम के होंगे वो यहाँ पे ठीक ठाक ओवर डाल सकते हैं। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे, कैमरन बेनक्रॉफ्ट 2 मैच में 61 रन 30 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 71 रन, रिसेंटली लाजवाब फॉर्म में, मैं तो भाई कई टाइम से देख रहा हूँ T20 हो या फिर ODI हो, इनके बल्ले से ऐसा मैंने देखा ही नहीं कि रन ना निकला हो। मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत जल्द आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में फिर से बैक करते दिखेंगे। रिसेंटली 71 36 52 49, डीआर की शॉट का दिखेगा हेड टू हेड 4 मैच में 85 रन 21 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच 10 रन 10 का एवरेज है, रिसेंटली 10 रन 0 विकेट। एस विटमैन हेड टू हेड 2 मैच में 50 रन 25 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 26 रन 26 का एवरेज है, रिसेंटली 26 3 49 0, और इससे पहले वाले मैच को मैंने कंसीडर नहीं किए क्योंकि उससे इससे पहले मैं देख रहा था इनका एक शतक भी था अगेंस्ट जो सामने वाली टीम है उनके अगेंस्ट में। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कार्ट राइट हेड टू हेड 3 मैच में 43 रन 14 का एवरेज है, T20 के जबरदस्त बल्लेबाज है, ODI में ये हिटिंग करेंगे चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। वेन्यू पे 1 मैच में 41 रन 41 का एवरेज है, रिसेंटली 41 ओवर 73, बैटिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हो। टर्नर हेड टू हेड 4 मैच 82 रन 20 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 41 रन 41 का एवरेज है, रिसेंटली 41। बक्स्टर को लेकर बात करेंगे हेड टू हेड 1 मैच 19 रन 19 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 2 रन 2 का एवरेज है, रिसेंटली 2 और 11। फिर आपको दिख जाएंगे एस्टन एगर, इनका देखिएगा हेड टू हेड 2 मैच में 16 रन 3 विकेट, ध्यान रखिएगा सामने जब लेफ्टी ना हो ना तो अच्छे खासे ओवर डालेंगे, जब सामने लेफ्टी हो तो इनके ओवर थोड़े से शॉर्ट हो जाते हैं। वेन्यू पे लास्ट मैच में 1 मैच में 51 रन 1 विकेट, रिसेंटली 51 रन 1 विकेट, जय रिचर्डसन हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 5 विकेट, रिसेंटली 5 विकेट, मैथ्यू कैली हेड टू हेड 4 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको बहुत ज्यादा हाई रेट करता हूँ, ध्यान रखिएगा मिनी जीएल में आप इनको CVC दे के जाना। डीआर की शॉट के साथ आपको जो है एंड्रू ट्राई भी कभी कभी डच में गेंदबाजी करते दिख जाएंगे। मैंने डीआर की शॉट क्यों कहा, मैंने कई दफा देखा है टीम उनको 35-36 ओवर में लाएंगी, अब उनको लेफ्ट आर्म चैनमैन गेंदबाज है, अगर शुरू में 1-2 विकेट मिल गया ना तो वहां से वो सिक्वेंस में गेंदबाजी करने लगते हैं। एक जो गेंदबाज है डेथ में उनका नाम है एंड्रू ट्राई, हेड टू हेड 3 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट, जेसन बेरेंडॉफ हेड टू हेड 2 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करें, बेरेंडॉफ, जे रिचर्डसन, डेथ में जे रिचर्डसन, एंड्रू ट्राई, बेंच में दिखेंगे लेंस मॉरिस अगर खेलते हैं तो आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, नाम एक याद कर लीजिएगा डेनियल ड्रू, जबरदस्त प्लेयर है, आपको मिनी जीएल जितवा के दे सकते हैं। ओपनर हंट के साथ दिख जाएंगे आपको मैकेंजी हार्वी, डेनियल ड्रू, मैकेंजी हार्वे हो सकता है इस टीम के साथ इस सीजन जो है डेब्यूट कर सकते हैं। फिर नथन मैकेसोनी, हैरी निल्सन, थॉमस कैली, नथन मैकेंड्रू, विन मेहनती, एल पॉप, हेनरी थॉम्पटन और आपको दिख जाएंगे डब्लू एगर। अब यहाँ पे जो है ऑफ ब्रेक गेंदबाज बी मेहनती अच्छा खासा ओवर डाल सकते हैं क्योंकि सामने 3-3 लिप्टी हैं टॉप 7 में। गेंदबाजी में डब्लू एगर
थ्रॉन्टन, नथन मैकएंड्रू और यहां से आपको दिख जाएंगे बीमेनटी एलपॉप, ये पांच मेन गेंदबाज होंगे। लेकिन इनको असिस्ट करेंगे नथन मैकस्विनी और यहां पे जरूरत पड़ने पे जो है कुछ ओवर जो है थॉमस कैली भी डाल सकते हैं, बट चांसेस कम है। अगर हम बात कर लेंगे प्ले स्टैट्स को लेकर, हिट टू हिट हेनरी हंट एक मैच में 103 रन 103 का एवरेज है। मैकेंजी हार्वे हेड टू हेड दो मैच में जो है इनका रन जो है आई थिंक 61 है, एवरेज को कर लीजिएगा थोड़ा सा बढ़ा के क्योंकि इनका एवरेज आई थिंक 30-31 के आसपास है। वेन्यू पे एक मैच में एक नौ रन 9 का एवरेज है, जबरदस्त प्लेयर है ये भी और ये खेल चुके हैं बिग वेस्ट लीग भी, तो बिग वेस्ट लीग जब खेल चुके हैं तो कैलिबर में कोई शक नहीं कर सकते। रिसेंटली 3 अटैच 15 15। डेनियल ड्रू को लेकर बात कर लेंगे, वेन्यू पे एक मैच में 55 रन 0 विकेट, रिसेंटली 84 3 52 120, मतलब लास्ट के चार मैच में 3 बेहतरीन नॉक और बेहतरीन नॉक में 2 परा 50, एक 84 और दूसरा शतक। फिर आपको दिख जाएंगे नथन मैकस्विनी हेड टू हेड 3 मैच 52 रन 17 का एवरेज है, रिसेंटली 52 रन की विकेट, 40 रन की विकेट, 53 रन की विकेट और 49। हेड नीलसन को लेकर बात करेंगे हेड टू हेड 4 मैच में 136-34 का औसत है, रिसेंटली 27 61 9 15। फिर थॉमस कैली हेड टू हेड एक मैच में 28 रन 28 का एवरेज है, रिसेंटली 81 13 8 28। देन आफ्टर आपको दिख जाएंगे नथन मैकएंड्रू हेड टू हेड 3 मैच में 3 विकेट है, विकेट टेकर गेंदबाज है, हिट द डेक वाले विकेट पे अच्छा खासा गेंदबाजी कर लेते हैं प्लस ये बल्ले से भी आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। बीमेनटी रिसेंटली 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड एक मैच में 1 विकेट। एलपॉप को लेकर बात करेंगे हेड टू हेड एक मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, जहां स्पिनर्स के लिए मदद होगा वही बेंचेज में विकेट लेकर जाएंगे कौन, एलपॉप। हेनरी थॉर्नटन को लेकर बात करेंगे हेड टू हेड 2 मैच में 3 विकेट, एक और जबरदस्त विकेट टेकर गेंदबाज हैं, रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। डब्ल्यू एगर रिसेंटली 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड में 6 मैच में जबरदस्त 11 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात करें तो आपको दिख जाएंगे डब्ल्यू एगर, एच थॉर्नटन, दैट मीन एच थॉर्नटन और आपको दिख जाएंगे नथन मैकएंड्रू। बेंच में ये सारे नाम दिखेंगे, इनमें से कोई शायद ही खेले। और दोस्तों इस मैच को हम लोग खेलेंगे एक्सएल 11 के ऊपर। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको जबरदस्त जो है ना लोएस्ट कमीशन देखने को मिल जाएगा किसी भी अदर ऐप की तुलना में। आप देख लेना, आप एक एक कंटेस्ट में 100, 51, 36, 29 और 13 रुपीज तक सेविंग करके चल सकते हो। यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टेंट विड्रॉल, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लोएस्ट कमीशन के साथ लोएस्ट कॉम्पिटिशन, साथ में जीएसटी टीडीएस फ्री है, फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको मिलेंगे 100% एक्स्ट्रा बोनस जिसका आप यहाँ पे जबरदस्त यूटिलाइज कर सकते हो, 5% से लेके 10% तक स्मॉल लीग में और 20% से लेके 30% तक मिनी जीएल और जीएल में। यही नहीं, सीपीएल में चल रहा है जबरदस्त इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड एक्सएल 11 के ऊपर, जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप 30 अगस्त से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में सीपीएल में आते हो इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में टॉप पे, तो आपको मिल जाएगा iPhone 15। सेकेंड पे आते हो तो iPhone 14, थर्ड पे iPad Air 10, 6 से लेकर 8 में आते हो तो Samsung M15। ऐसे करके अगर आप 30 तक आते हो तो कुछ ना कुछ गैजेट्स लेके जाओगे, तो भाई देरी किस बात की करनी है, अभी कभी जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में, वहां पे दिखेगा एक्सएल 11 ऐप का लिंक, उसको डाउनलोड कीजिए और अपनी सफर यहीं से एक्सएल 11 के ऊपर शुरुआत कीजिए। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। तो मैंने विकेट कीपिंग में दोनों बल्लेबाज बेन क्रॉप और व्हिटमैन को लिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है मैं विटमैन की जगह ट्राई कर लूँ एस्टन एगर या फिर डीआर की शॉट में से किसी एक को। ध्यान रखिएगा विकेट कीपिंग इस टीम से जो है वो बक्सटर होल्ड करेंगे। बैटिंग से मैंने लिया डी ड्रू को, ऑलराउंडर से मैंने लिया नथन मैकएंड्रू को, उसके अलावा नथन मैकस्विनी, साथ में मैंने बॉलिंग में अपना दरिया दिल दिखाया ब्रेंट टॉप टाय, उसके अलावा मैंने लिए रिचर्डसन को। देन आफ्टर डब्ल्यू एगर थॉर्नटन मैंने लिए सामने वाली टीम से साउथ ऑस्ट्रेलिया से, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से मैंने बैक किया अपनी टीम में मैथ्यू कैली को। कैप्टनसी की बार मैंने सौंपे जैड रिचर्डसन को, वीसी मैंने दिए एंड्रू टाय को। इनके अलावा अगर यहाँ पे पहले गेंदबाजी आती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया की, तो आप यहाँ पे नथन मैकस्विनी फिर नथन मैकएंड्रू या फिर डब्ल्यू एगर के साथ थॉर्नटन के ऊपर भी रिस्क लेके चल सकते हो। मेगा जीएल में एम कैली को और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी बेन क्रॉफ्ट, इन दोनों को सीवीसी जरूर ट्राई करना। फिलहाल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे कैप्टन है जैड रिचर्डसन और वीसी है आंद्रे टाय। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद हमारे टीम में अगर कुछ भी फेरबदल होगा उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।